सलाजीत है, इसमें अगर हम चंद सीधा सीधा फायदे इसके आपसे पूछना चाहें तो क्या आप समझते हैं कि इसके सीधा सीधा क्या फायदे हैं और बेसिकली किस एज ग्रुप को ये इस्तेमाल करनी चाहिए, किन मकासद के? जी, मैं फवायद के साथ साथ आपको थोड़ी सी जो है ना वो प्रोसेस को बताता हूँ कि सलाजीत बनती कैसे। जो अमल जिसमें हम सलाजीत को पहाड़ से नीचे उतारते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन, यानी फाइंडिंग ऑफ सलाजीत। सलाजीत को पहाड़ से उतार के प्रोडक्शन हाउस तक लेके आने को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद फिल्टर किया जाता है कि सलाजीत की एक खासियत है ये 99% वाटर सोल्युबल है। तो सलाजीत पानी में डिजॉल्व या सोल्युबल जो है वो सोल्युबल हो जाती है और बाकी जो चीज़ें उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें सैंड पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। उसके बाद फिर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस आता है जो कि सर्टिफिकेट कोर्स के थ्रू हम जो है उसको प्योरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद आके डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आता है, तब जाके फिनिश प्रोडक्ट बनती है। अब मैं आपको इसके कुछ फायदे बताऊँगा कि देखिए फिर दोबारा से एक चीज़ है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फैल गई है कि प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो सलाजीत स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होती है। मेमोरी को इन्हांस करने के लिए, इसके अलावा जो है ना आपकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, जो स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनको परफॉर्मेंस के लिए स्टेमिना चाहिए होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। इसके अलावा जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद साबित होती है। जोड़ों में जो दर्द हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सीरीज ऑफ जो है ना डिजीज़, ये न्यूट्रिएंट्स से ही रिलेटेड हैं कि लोग एहतियात नहीं करते हैं या प्रोडक्ट में वो जान नहीं होती कि लोगों को जो है ना वो डिजीज़ से बचाया जा सके। तो सलाजीत एक पोटेंशियल जो है ना मिनरल पिच है जिससे हम जो है ना जो आजकल जो करंटली जो बीमारियां जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को तंग कर रही हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, इन सब से जो है ना वो निजात